hey everyone welcome back to my channel and in this video we will discuss uh edward ii which is a historic play by uh, by christopher marlowe तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टोफर मार्लो का फर्स्टेज उससे पहले हमने टेम्बोलिन एंड जो ऑफ माल्टा डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एलिजेथ इन एज सो वी हैव टू डिस्कस ऑल द ड्रामेटिस्ट जो उस टाइम पे फेमस थे जिन्होंने फेमस फेमस वर्क्स लिखे थे दैन हाउ कैन वी सिंपली साइडलाइन क्रिस्ट ऑफ अ मार्लो विकांट क्योंकि क्रिस्ट मार्लो वॉज द पर्सन जिसने सबसे ज़्यादा ड्रामा स्टार्ट किया है क्योंकि शेक्सपियर तो कहीं ना कहीं मार्लो के बाद में लिखना स्टार्ट करते हैं मार्लो के वर्क्स ने शेक्सपियर को कही न कहीं ना कहीं इंस्पायर किया था अपने वर्क्स को लिखने के लिए तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ड द सेकेंड को तो एडवर्ड द सेकेंड जब हमने सुना तो हमें समझ में आया कि इट इज़ रिलेटेड टू तो सम हिस्टोरिक किंग क्योंकि हिस्टोरिक किंग जैसे हम पढ़ते हैं जैसे कि हैंनरी द फोर्थ है हैंनरी द एट्थ है एडवर्ड द सेकंड है तो हमें पता चल गया कि ठीक है ये हिस्टोरिक चीज़ों को लेकर ये चीज़ लिखी गई है तो ये मार्लो का थर्ड थर्ड प्ले था ड्रामा था जो कि पब्लिश हुआ था 1593 में आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन कौन से वर्क्स पब्लिश होते हैं जैसे कि सबसे पहले टेम्बुलिन पब्लिश हुआ उसके बाद टेम्बोलिन के बाद ऑफ माल्टा पब्लिश हुआ था और उसके बाद फिर आता है एडवर्ड द सेकेंड और उसके बाद आएगा फर्स्टिस तो इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस याद रखना पड़ता है क्योंकि पेपर में एक बहुत बार क्रॉनिकल आ जाता है कि आपको क्रॉनिकल में लगाना है पब्लिशिंग को कि एक राइटर के चार पांच वर्क्स दे दिए आपको और अब आपको सीक्वेंस में लगाना कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में आया है तो सिंपली आप कोई भी एक लाइन लिख लीजिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड फर्स्ट वर्ड लेके तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी तो इसका फुल टाइटल एडवुड द सेकेंड जो प्ले है ट्रेजिडी है इसका फुल टाइटल है द ट्रबल्स एम रेन एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकेंड किंग ऑफ इंग्लैंड विद द ट्रैजिक फॉल ऑफ प्राउड मोर्टिमर तो ये इसका फुल टाइटल था इतना बड़ा सा और ये वक्त कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है अबाउट द होमो सेक्शुअल सेंसिबिलिटी एज वेल क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में अगर आपको ध्यान है हमने जब फर्स्ट लेक्चर किया था मार्डो का वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि मार्डो को एक्यूज़ किया जाता था कि ही वॉज होमोसेक्सुअल पर्सन और क्यों क्योंकि इन्होंने अपने वक्स में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होमो कही को शो कर रखा है डिपिक्ट कर रखा है एंड व्हेन आई एम सेइंग कि हिस्टोरिक प्ले है तो आपको चीज़ ये याद रखनी है कि हिस्टोरिक प्ले जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं हिस्टोरिक इवेंट पे या फिर हिस्टोरिक पीपल पर किसी भी एक एक पर्टिकुलर पर्सन है उस पर भी डिपेंड हो सकता है लेकिन अगर हम इसकी बात करें एडवर्ड द सेकेंड की तो इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है वो हिस्टोरिक है या फिर नहीं है जैसे कि इसमें बोला गया था कि उसका जो रूल था मतलब कि ट्वेंटी ईयर्स के अराउंड में एडवर्ड द सेकंड ने रूल किया था रियल जो किंग थे उसके बाद जो राइजिंग टेंशन है इन द प्ले ओवर द एडवर्ड्स मिलिट्री की जो एडवर्ड की मिलिट्री है वो जी मतलब हारने लग जाती है क्योंकि एडवर्ड द सेकेंड उन पर ध्यान ही नहीं देता है क्योंकि उसका जो होमोसेक्सुअल अफेयर चल रहा होता है एक पर्सन के पास उसके लिए लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता कि ये तो सच है कि उसकी जो मिलिट्री थी वो हार रही थी ये भी सच है कि वो लोगों को कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपना फेवरेट समझता था फेवरेटिज़म करता था अपने रियल लाइफ में लेकिन ये बोलना पता नहीं सच होगा या नहीं होगा कि उसके हिस्टोरिक रिलेशनशिप थे एडवर्ड की और गैस्ट्रॉन जो पर्सन है उन दोनों के बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन था या नहीं था ये नहीं पता किसी को भी तो कुछ चीज़ें हो सकती है कि ऐड कर दी गई हों लोगों को ऐसा लगा हो र्यूमर्स हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है ना लिटरेरी पीरियड तो एलिजाबेथन पीरियड में ये लिखा गया था बिकॉज हम उसी पीरियड को तो डिस्कस कर रहे हैं अगर मैं बोलो जॉनरा तो जॉनरा ड्रामा है क्योंकि हम अभी पर्टिकुलर टाइम पे जिस लेक्चर को मैं डिलीवर कर रही हूँ तो इस टाइम पे हम पर्टिकुलर ड्रामाज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि हाउ ड्रामा इमर्ज इन रेनेसा सोसाइटी उस टाइम पर किस तरीके से वो इमर्ज हो रहा था और ये एक हिस्टोरिकल प्ले है इसकी सेटिंग रखी गई है फोटीन सेंचुरी इंग्लैंड में और फ्रांस में जिस टाइम पर मैसा रहा होगा ओके okay, तो अब हम इसकी करते हैं इसकी मेन स्टोरी के बारे में या फिर किस पर्सन ने इसके बारे में क्या बोला हुआ है क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब हम नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं दैट मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ से ली जा रही हैं तो जी जो एडवर्ड द सेकेंड है ये बोला जाता है कि इसका जो मटेरियल है जैसे सोर्स वर्क हम बोल सकते हैं या फिर रॉ मटीरियल बोल सकते हैं तो वो मार्लो ने एक पर्सन है जिनका नाम था जिनका नाम था रफाइल हॉलिन शेड उनका एक वर्क है क्रॉनिकल तो वो क्रॉनिकल एक बुक है उसका कहीं से मटीरियल लेके क्रिस्टोफर मार्लो ने अपना ये वर्क लिखा है अब एक और पर्सन है जिसका नाम है फेडरिक एस बॉज उन्होंने बोला कि जो क्रॉनिकल है जो कि हॉलैंड शेड ने लिखी है जो बुक लिखी है जिसमें उन्होंने मेनली डिस्क्राइब किया है ब्रिटिश हिस्ट्री को ब्रिटिश किंग्स को डिस्क्राइब किया है तो वो बोलते हैं वॉयस बोलते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने पर्टिकुलरली एक वही टाइम पीरियड चूज किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर था अनअट्रैक्टिव था मतलब कि एडवर्ड द सेकेंड का रेन चूज़ किया है अपने वर्क को लिखने के लिए और उन्होंने ये भी बोला कि जो होमोसेक्शुअल अफेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं मार्लो uh, को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल क्योंकि अगर आप अब देखोगे कि इन्होंने डीडो लिखी है डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज जो कि एक ट्रेजेडी है उसमें इन्होंने जो और गैनिंगमेट का रिलेशन दिखा रखा कि किस तरीके से वो दोनों मेल हैं और दोनों के मेल के बीच में एक होमोसेक्सुअल अफेक्शन दिखा रखा है अगर हम बात करेंगे द मैस्कर ऑफ पैरिस जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक डिस्कस करूंगी अगर इसमें हो जाएगा तो इसमें भी कर दूंगी तो द मेस्क्यूर एट पेरिस में भी इन्होंने दिखा रखा है हेरी द थर्ड और उनके जो माइनर्स हैं उन दोनों के बीच में होमोसेक्सुअल रिलेशन हीरो और लियडर हीरो लियडर में भी नेपच्यून और लियडर के बीच का जो रिलेशन दिखा रखा है या फिर एडवर्ड द सेकेंड जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें एडवर्ड और गैस्टोन के बीच का रिलेशन तो ये सारे ही रिलेशन होमोसेक्सुअल हैं इसीलिए यह बोला जाता था या फिर र्यूमर था कि जो मार्लो थे ही वॉज होमोसेक्सुअल पर्सन क्योंकि उन्होंने उसी चीज़ के बारे में बार बार लिखा है तो लोगों ने सोचा कि शायद वो खुद भी ऐसे रहे होंगे होमोसेक्सुअल रहे होंगे तो एडवर्ड द सेकेंड जो प्ले लिखा गया था इसी प्ले को अडॉप्ट किया गया मतलब कि कोई और पर्सन अगर उसे अडॉप्ट करता है और उसे परफॉर्म करता है तो उसे कहते हैं अडॉप्शन तो इसको अडॉप्ट किया गया था बैटॉल बैकेट ने इसे अडॉप्ट किया था बैटॉल ब्रैक्ट ने अडॉप्ट किया उन्होंने अपना एक प्ले लिखा द लाइफ ऑफ एडवर्ड द सेकेंड ऑफ इंग्लैंड जो कि परफॉर्म हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में अब आते हम सीधे इसके प्लॉट पे स्नॉपसिस पे तो सबसे पहले आपको चीज़ ये याद रखनी है कि जितने भी कैरेक्टर मैंने स्क्रीन पर लिख रखे हैं आपको ध्यान में रखने हैं और देखते रहना है ऐसा नहीं कि ऑडियो चल रही है तो आप सिर्फ ऑडियो को सुनोगे जिसकी बात होगी मैं उसके ऊपर टिक कर दूँगी उसका एरो लगा दूंगी ताकि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो कि किसकी बात हो रही है और किसका किससे रिलेशन चल रहा है ऑल राइट right, तो सबसे पहले चीज़ तो एक बैकग्राउंड है कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए तो जब प्ले स्टार्ट होता है तो क्या दिखा रहेगा कि पियर्स है पियर्स गेवस्टोन वो एग्जाइल में है उसे निकाल दिया गया था इंग्लैंड से और अभी वो फ्रांस में रह रहा है और गेपस्टोन को एक लेटर मिलता है एक लेटर मिला है अपने दोस्त से या फिर बोल सकते हैं उसका लवर जो कि है एडवर्ड द सेकेंड अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेक लो और ये दे जान लो कि आखिर वो एग्जाइल में था क्यों तो जो एडवर्ड द सेकेंड के फादर थे विच मीन्स एडवर्ड द फर्स्ट एडवर्ड द फर्स्ट वो बंदा था वो किंग था जिसने गेस्ट को एक्साइल किया था क्यों क्योंकि क्यों? क्यों उसने देखा कि जो उसका सन है मतलब कि एडवर्ड द सेकेंड है वो बिल्कुल भी अपनी ड्यूटीज़ ड्यूटीज़ नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि उसका सारा अटेंशन जो है वो गेस्ट रूम पर रहता है वो उसी को अटेंशन देता रहता है उसे गिफ्ट देता रहता है पैसे खर्च करता रहता है तो वो अपनी जो ड्यूटीज़ है एज अ प्रिंस उन्हें निगलेक्ट कर रहा है और उसके जो कोर्ट के पीपल थे जो नोबल लोग थे नोबल मैन थे उन्होंने भी बोला कि जो तुम्हारा सन है वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा है और उस पर्सन की वजह से नहीं कर रहा है तो इसी वजह से जो किंग एडवर्ड द फर्स्ट डे उन्होंने गेस्ट रूम को एग्जैल कर दिया अब इसको अब हम दोबारा से स्टोरी पे आते हैं जब उसे गेफ्ट को एक लेटर मिलता है ओके तो लेटर में क्या लिखा गया है लेटर में बोला एडवर्ड द सेकंड ने वो लिखा हुआ है कि उसके फादर की डेथ हो गई है एंड उसके फादर की डेथ के बाद क्या होगा कि एडवर्ड द सेकेंड जो है वो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि वो किंग बन चुका है तो जब ये इंग्लैंड का किंग बन गया इसके पास सारी पावर्स आ गई तो ये बोलता है कि तुम अब दोबारा से वापस आ जाओ क्योंकि जो तुम्हारा एग्जाइल का टाइम पीरियड था एज अ किंग मैं ख़त्म करता हूँ और तुम आ जाओ क्योंकि किंग से ऊपर तो कुछ होता नहीं है और किंग ने बोल दिया कि खत्म हो गया एग्जाइल बैनिशमेंट तो तुम आ सकते हो वो बोलते हैं आ जाओ और उसके बाद हम जो तुम्हारा और मेरा जो रिलेशन था मतलब कि हम एक दूसरे की वेल्थ को यूज़ करेंगे पावर को तुम यूज़ कर सकते हो मेरी मेरे पैसे को भी यूज़ कर सकते हो इसके बाद गैफ्टन बहुत ज़्यादा से खुश हो जाता है डिलइट हो जाता है कि ठीक है वो इतने सालों बाद एडवर्ड को देख पाएगा प्लस वो ये भी सोचता है कि वो जो अफेक्शन है किंग का अफेक्शन है उसको अपने लिए भी यूज़ कर सकता है एक तरीके से क्योंकि किंग उसको कुछ बोलेगा नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है अभी वो इंग्लैंड में आया नहीं है अभी वो उसकी यहाँ पे अराइवल हुई नहीं है बट देर इज़ टेंशन विच इज़ स्टार्टेड टू बिगिन क्योंकि इंग्लैंड में वो अभी नहीं आया लेकिन स्टार्ट हो गई टेंशन क्यों हो गई है क्योंकि यहाँ के जो नोबल मैन है या फिर जो क्वीन है वो इसको देख वो उसके अगेंस्ट वो प्लॉटिंग करेंगे कि वो अगर यहाँ पर आ रहा है तो हम ये करेंगे वो करेंगे जो भी चीज़ें हैं मैं अभी डिस्कस करती हूँ अब क्या होता है कि जो गैपस्टोन है वो इंग्लैंड में आता है और एक जगह पे छुप जाता है और वहाँ से वो देखता है कि जो एडवर्ड द सेकेंड है मतलब कि जो उसका लवर है जो किंग है वो नोबल मैन के साथ आगे कर रहा है और आगे क्यों कर रहा है क्योंकि जो नोबल मैन है वो बोलते हैं कि गैपस्टोन को तुमने वापस बुलाकर अच्छा नहीं किया बिकॉज गैपस्टन एक एज अ मैन्युपुलेटिव सोशल क्राइमर है जो कि एग्जाइल में ही अच्छा है उसे यहाँ पर इंग्लैंड में लाना अच्छा नहीं था तो यहाँ पर जो किंग का ब्रदर है जिसका नाम है अर्ल ऑफ कैंट मतलब कि कैंट है वो उन नोबल मैन को वॉर्न करता है कि जब तुम अगेंस्ट जा रहे हो किंग के तो कहीं ना कहीं तुम ट्रेजन का काम कर रहे हो तुम धोखाधड़ी कर रहे हो या फिर देशद्रोह कर रहे हो क्योंकि क्यों कर रहे हो क्योंकि भाई तुम किंग के अगेंस्ट में जा रहे हो उसकी मर्जी वो बुलाए या ना बुलाए तो किंग का ब्रदर ये बोलता है अब जब सब वहाँ पे चले जाते हैं तो गेस्ट बाहर आता है और एडवर्ड से मिलता है दोनों के बीच में एक जॉयफुल री होता है और एडवर्ड द एडवर्ड जो है वो गैपस्ट को बना देता है अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल और उसे बहुत सारी अथॉरिटीज़ भी दे देता है कमांड्स भी दे देता है उसे पैसे भी मिलने लग जाएंगे कि उसको जो कमांड मिले इससे क्या होगा कि जो किंग के नाम पर मतलब राजा के नाम पर वो जाकर और वो जो ट्रेजरी होती है वहाँ से पैसे निकलवा सकते जितना चाहे उतना निकलवा ले अब ये एक जॉयफुल रीयूनियन था अब इसी में एक और पर्सन आता है जिसका नाम है बिशप ऑफ कॉन्वेंट्री वो आता है और बोलता है कि मुझे ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि तुमने गैवस्टन को रिटर्न कर लिया वापस बुला लिया उसका पानिशमेंट ख़त्म कर दिया लेकिन गैवस्टन के पास अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर है और किंग का सपोर्ट भी है तो वो कही कहीं ना कहीं बिशप को असॉल्ट करता है और करता है उसे इम्प्रजन भी कर देता है अब इसी टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं जितने भी लोग हैं वो सब यही बात कर रहे होते हैं कि उनके जो ओपिनियन है वो बहुत ही लो है गैस के लिए क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो नोबल मैन नहीं है और जो नोबल मैन है मतलब कि रॉयल ब्लड है जितने भी रॉयल लाइन के लोग हैं वो उसे पसंद नहीं करते हैं अब एडवर्ड द सेकेंड की जो वाइफ और एक क्वीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है ऐजाबेला एजोबेला कौन है शी इज़ द वाइफ ऑफ किंग एडवर्ड द सेकेंड और ये सिस्टर है किंग ऑफ फ्रांस फ्रांस के किंग की सिस्टर है और एडवर्ड की वाइफ है तो ये बहुत नेगलेक्ट फील करती है क्योंकि उसका हस्बैंड तो एक लड़के के पीछे घूमता रहता है उसका जो अफेक्शन है वो गेस्ट के ऊपर रहता है तो वो बहुत नेगलेक्ट फील करती है और वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलके जितने भी मैन हैं मतलब कि आर्च बिशप कैंटोबरी न द, द नोबल्स मतलब कि मॉर्टिमर जूनियर मॉर्टिमर सीनियर द आर्ल ऑफ वॉरविक द आर्ल ऑफ लैंचेस्टर द आर्ल ऑफ पैम्ब्रुक इन सभी लोगों के साथ मिलकर एक ऑर्डर एक ऑर्डर इशू करते हैं जिसमें बोला गया होता है कि गैफ्ट को फिर से एग्जाइल कर दिया जाए लेकिन जो किंग है वो मना कर देता है कि मैं तो इस पर सिग्नेचर बिल्कुल भी नहीं करूं क्योंकि वही किंग है और उसके बिना सिग्नेचर करे वो जो ऑर्डर है वो पास ही नहीं होगा वो जो इशू है वो पास नहीं होगा लेकिन उनको चीज़ करवानी थी तो वो क्या करते हैं वो फोर्सफुली जाके गेस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे तो थ्रेट करते हैं कि वो रिबेल कर रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है तो लास्ट में किंग को मानना पड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं मानेगा तो गेस्ट्रेंड को मर्डर कर ही देंगे ऐसा करके क्योंकि उसे अरेस्ट कर लेंगे आज नहीं तो कल उसको मार देंगे तो किंग उस बात पर मान जाता है कि ठीक है मैं उस पर सिग्नेचर करूँगा और उसके बाद क्या होता है कि दोनों जो लवर्स हैं वो फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस बार जो गेस्ट है उसे भेजा गया है आयरलैंड में उसका बैनिशमेंट कर दिया गया है इंग्लैंड से अब शॉर्टली आफ्टर गैफ्ट डिपार्ट जब थोड़ी ही देर बाद जब वो चला जाता है तो ऐसा इस तरीके से दिखाती है कि वो लोगों को पर्सवेट कर रही है मतलब कि जो नोबल मैन है उनको जाती है और बोलती है कि चलो एक काम करते हैं उसको दोबारा से इंग्लैंड बुला लेते हैं इससे क्या होगा गैस्टन इंग्लैंड में रहेगा तो हम उसे ईजिली मर्डर कर सकते हैं उसे मार सकते हैं लेकिन अगर वो आयलैंड में रहेगा तो हम उसे कुछ कर नहीं सकते वो थ्रेट बना रहेगा कभी ना कभी वापस आ ही जाएगा तो एक तरीके से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका है कि हम उसे इंग्लैंड में बुलाएं और पर उसका मर्डर कर दें इसी टाइम पे एडवर्ड द सेकंड को लगता है सस्पेक्ट करता है कि उसकी वाइफ ऐजा का अफेयर चल रहा है विद मॉर्टिमर जूनियर जूनियर और सीनियर याद रखना कि इसका अफेयर जूनियर से चल रहा है तो जूनियर से उसे लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है गेफ्ट की एग्जाइट के लिए भी और वो बोलता है कि मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूँगा अपनी वाइफ से बात करने से मना कर देता है अब जो नॉवल्स हैं वो मान जाते हैं इस बात पे जो एज अ ने कंसेप्ट दिखाया होता है कि जब एक काम करते हैं को बुला लेते हैं तो वो सब उस पर अग्री करते हैं कि उसको यहाँ पर बुलाने से क्या होगा उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसको मर्डर करने के लिए तो सारे ही जो नॉबल्स हैं एक प्लान करते हैं और एडवर्ड को नहीं पता उस प्लान के बारे में प्लॉटिंग के बारे में और किंग तो खुश हो जाता है ये सोच के कि उसका जो लवर है गेफ्ट वो वापस आ जाएगा तो बहुत खुश होता है उसे बुलाने की पूरी तैयारियाँ करने लग जाता है अब इसी तरफ क्या होता है कि जो एडवर्ड है मतलब कि जो किंग है वो सीनियर को मोर्टीम और जो सीनियर है उसे थोड़ा सा पसंद करता था मतलब पसंद इन द सेंस कि उस पर ट्रस्ट करता था कि हाँ वो बंदा ट्रस्ट के काबिल है तो वो क्या करता है उस बंदे को भेजता है स्कॉटलैंड में कि तुम जाओ और मेरी आर्मी को वहाँ पे लीड करो उनको सप्रेस कर दो और उसी टाइम पे ये खुद जो किंग है वो खुद यहाँ पर लग जाता है ये करने में कि जरूर वो आने वाला है मेरा लवर आने वाला है तो वो उसकी तैयारियाँ करेगा तो एडवर्ड तो गेस्टन की फ्योन से लेडी मार्गेट को बुला लेता है कोर्ट में दोबारा से और लेडी मार्गेट कौन है वो वो एडवर्ड की कज़न है तो इससे क्या होगा कि लेडी मार्ग्रेट से शादी होने के बाद गेस्ट है वो ऑटोमेटिकली रॉयल ब्लड लाइन से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर उसकी वाइफ रॉयल ब्लड से है तो वो भी कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली में इमर्ज हो जाएगा इसीलिए वो चाहता है कि उसकी शादी लेडी मार्ग्रेट से हो जाए अब लेडी मार्गेट अपने पास दो लोगों को और लेकर आती है एक उसका ट्यूटर होता है एक उसकी फैमिली का रिटेनर होता है जिसका नाम है स्पेंसर स्पेंसर जूनियर की स्पेलिंग स्पेंसर से अलग है जो कि हम पढ़ा करते हैं एडमिन स्पेंसर उनसे अलग है अब ये दो बंदे यहां पर इसलिए आए हैं इस उम्मीद में आए हैं कि इसमें आने के बाद इंग्लैंड में आने के बाद किंग के फेवरेट बन जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा अब गेवस्टॉल जिसे बुला लिया गया है दोबारा से वो कोर्ट में आ चुका है और दोबारा से जो एक क्वेरल था एक टेंशन थी बिटवीन हिम एंड द नोबैलिटी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है अब मैटर क्या है कि और भी ज़्यादा बेकार हो जाता है तब जब जूनियर को मोर्टिम जूनियर जिसको बोला था कि तुम जाओ स्कॉटलैंड में और मेरी आर्मी को लीड करो उसको वहाँ के लोग क्या है कैप्चर कर लेते हैं अब कैप्चर करने के बाद उन्हें रैनसम चाहिए मतलब कि घोष चाहिए रिश्वत चाहिए उसे रिलीज़ करने के लिए उस टाइम पे यही होता था अगर कोई हार जाता था उसे कैप्चर कर लेते हैं जैसे कि चौसर को कैप्चर कर लिया गया था हंड्रेड ईयर वॉर में फ्रांस में तो उसी तरीके से मॉर्टिमर को कैप्चर कर लिया और एडवर्ड बोलता है कि मैं तो बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा तो वो अनविल है अनविलिंगनेस दिखाता है कि वो पैसे पे नहीं करेगा और जो मॉर्टिमर जूनियर है वो सोचता है कि उसके अंकल एक तरफ़ कैप्चर हो गए हैं और किंग ऐसा है कि वो पैसे ही नहीं देगा उसे रिलीज़ करने के लिए तो यहाँ पर एक बार फिर से टेंशन स्टार्ट हो जाती है और लोग सोचते हैं कि इस किंग को निकाल देना ही बेहतर होगा एडवर्ड क्या कर रहा है वो अपने सारे ही ड्यूटीज़ को इग्नोर कर रहा है अपना किंगडम इग्नोर कर रहा है फॉरन कंट्रीज़ हैं उस पर अटैक करते हैं इंग्लैंड पर कोई क्या कर रहा है किसी उसका कोई बंदा है जिसे कैप्चर कर लिया है उसकी आर्मी इतनी वेल टू डू नहीं है इस टाइम पर तो दिखा रहा है कि वो बिल्कुल भी लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है सिर्फ अपने ही आप में लगा हुआ है तो वो हर चीज़ों को इग्नोर कर रहा है तो इसी टाइम पे क्या होता है उसका जो खुद का ब्रदर था जो कैंट था जो अर्ल ऑफ कैंट जिसने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम देश ड्रॉ कर दोगे ट्रेजरी कर दोगे अगर तुम किंग के अगेंस्ट में जाओगे तो अब वो ब्रदर कैंट भी उसके अगेंस्ट में हो जाता है क्योंकि उसने देखा कि उसका भाई बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर रहा है और वो जाता है मॉर्टिमर जूनियर को लेंचेस्टर को और जितने भी बाकी के अर्ल्स होते हैं जो सोच रहे हैं कि गैफ्ट को मार दिया जाए उनके साथ मिल जाता है उनके प्लान में ऐड हो जाता है इसी टाइम पे क्या होता है कि वो गैफ्सेंट को पकड़ लेते हैं एक जगह पर और उसके बाद उसे बोलते हैं कि उस वो आखिरी बार किंग को देख सकता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि जो आर्ट ऑफ वॉरविक है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होता है उससे और वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है ऑफ स्क्रीन मतलब कि उस टाइम पर स्टेज पर किसी का भी मर्डर नहीं दिखाते थे तो ऑफ स्टेज हमें पता चलता है कि उसको मार दिया गया है उसको एग्जीक्यूट कर दिया मर्डर कर दिया उसका एंड वेन किंग एडवर्ड लॉन्स ऑफ दिस वो बोलते हैं कि ठीक है जिसने भी उसे मारा है ही विल इन्वेस्टिगेट और वो उसके ऊपर रिवेंज लेगा क्योंकि उसके लवर को मार दिया गया है और अब वो प्रिपेयर हो जाता है कि एक वॉर करेगा नावल्स के अगेंस्ट में क्योंकि जितने भी नावल्स हैं उसका ब्रदर उसकी वाइफ सब एक तरफ हो गए हैं किंग एडवर्ड द सेकेंड और उसकी जो दो लोग आए थे उसके कोर्ट में स्पेंसर जूनियर और एक का नाम था बैलडॉग तो वो एक तरफ जी दो तीन बंदे एक तरफ और बाकी की पूरी फैमिली पूरा नॉवल एक तरफ तो इन दोनों के बीच में एक वॉर होने की बात हो जाती है कि ठीक है हम एक वॉर करेंगे अब एक पहला वो जब स्टार्टिंग का इनिशियल वॉर होता है इनिशियल बैटल होती है उसमें एडवर्ट जीत जाता है तो वॉरविक को लैंचेस्टर को मॉर्टिमर जूनियर इन तीनों को अरेस्ट कर लेते हैं वॉरविक और लैंचेस्टर को एग्जीक्यूट कर देते हैं उनको मार देते हैं और मोर्टिमर जो जूनियर है वो भाग जाता है वो सक्सेसफुली वहाँ से भाग जाता है और भाग भागते चलाता है फ्रांस में और फ्रांस में जाने के बाद वो मिल जाता है कैंट से मतलब कि जो किंग का ब्रदर है और वो जाके आइजाबेला जो कि क्वीन है एडवर्ड की उसके बाद जाके अपनी फोर्स इकट्ठी कर लेता है ऐजाबेला मेनली यहाँ पर आई होती है अपने बेटे के साथ जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड यहाँ पर फ्रांस में इसलिए आई है ताकि वो थोड़ा सा नेगोशिएट कर सके फ्रांस ने इंग्लैंड का एक रीजन है नॉर्मेंडी वहाँ पर कब्जा कर लिया है सीज़ कर लिया है तो यहाँ पर नेगोशिएट करने आई थी कि ठीक है इंग्लैंड का हिस्सा इंग्लैंड को दे दो पर यहाँ पर आके देखती है कि वो जूनियर के फादर जिसके फादर उसका अफेयर चल रहा है मॉर्टिमर जूनियर के साथ और उसका जो ब्रदर इन लॉ मतलब कि कैंट इन सब के साथ मिलकर वो अपनी एक आर्मी बनाती है एक बैट मतलब एक अपना पूरा फोर्स इकट्ठा करती है और इंग्लैंड में आ जाती है तो सब पहले अपने हस्बैंड की तरफ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है अब तो फिर वो यहाँ पर आती और वो चाहती है कि उसका जो सन है प्रिंस है वो किंग बन जाए ऑल जो प्रिंस है जो सन है वो नहीं चाहता कि वो किंग बने इस एज पर क्योंकि अभी वो बच्चा है एज और मॉर्टिमर जूनियर अब एक लवर बन चुके हैं एक ऑफिशियल लवर बन गए हैं और यहाँ पर वो एक सपोर्टर भी ढूंढ लेते हैं जिसका नाम है सर जॉन ऑफ हैनॉल्ट और कैंट भी इनके साथ मिल चुका था तो अब ये अपनी बैटल को लेकर आते हैं और वॉर करते हैं इंग्लैंड के साथ मतलब कि किंग के साथ एडवर्ड के साथ इस बैटल में एडवर्ड हार जाता है और बैटल हुई होती है बैटल एट ब्रिस्टल एक जगह है ब्रिस्टल वहाँ पर तो ये हार गए लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये भाग जाते हैं यहाँ से और छुप जाते हैं एक मोनेस्ट्री में लेकिन एक बंदा इन्हें चीट कर लेता है और मोनेस्ट्री में आके इनको अरेस्ट करवा देता है तो इसके जो दूसरे लोग थे स्पेंसर जो था स्पेंसर जूनियर और बेल्डोक उन दोनों को एग्जीक्यूट कर देते हैं और जो किंग है एडवर्ड उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है कि तुम अब प्रिजन में रहोगे मोर्टिम जूनियर के पास अब एक तरीके से अथॉरिटी आ गई है क्योंकि क्वीन उसके साइड हो गई है तो वो दो बंदों को एज अ गार्ड रख लेता है कि तुम गार्ड करोगे इस बंदे को जो हमने किंग को प्रिजन में डाला है तुम उनको देखोगे और इन दो बंदों का नाम यहाँ पर लिख रखा है मैंने इनकी स्पेलिंग यहाँ पर है और वो बोलता है कि तुम उसे इतना टॉर्मेंट करो जितना तुम कर सकते हो इतना परेशान करो उतनी उसे टॉर्मेंट मतलब सजा टाइप में दो उसको फिजिकली पेन दो और यहाँ पर से पता चलता है कि जो कैंट है वो कहीं कही ना कहीं रेग्रेट कर रहा है ये सोच के कि उसने अपने ब्रदर के लिए मतलब कि किंग एडवर्ड द सेकंड के लिए गलत किया और वो चाहते हैं कि एडवर्ड द को फ्री कर दिया जाए तो मोर्टी एक जू जूनियर एक प्लान बनाता है कि उसी टाइम पे जैसे उसको प्रेजेंट में डाला जैसे ही मतलब किंग को प्रिजन में डाला वो क्या करता है कि प्रिंस जो था एडवर्ड उसका कॉर्डनेशन कर देता है उसको सिंहासन में बिठा दिया एंड अभी भी जो प्रिंस है ही इज स्टिल अ बॉय तो मॉर्टिमर क्या सोचता है कि अगर वो बन जाएगा तो कहीं ना कहीं पावर मेरे पास ही रहेगी क्योंकि मैं उसकी मदर का लवर हूँ मतलब कि लवर ऑफ क्वीन मदर और ये कहीं ना कहीं लॉर्ड प्रोटेक्टर बन जाएगा और वो सोचता है कि जब तक एडवर्ड जिंदा रहेगा तब तक उसके लिए एक थ्रेट ही है अगर वो वहाँ से निकल जाएगा तो वही किंग बनेगा तो वो क्या करता है वो बंदे को लाइट बॉन्ड को अस, असाइन करता है कि तुम जाओ और एडवर्ड द सेकेंड का मर्डर कर दो प्रिंस है जो सन है वो नहीं चाहता उसके विश के अगेंस्ट में था उसके अगेंस्ट में जाकर भी जो मोर्टिम जूनियर है वो कैंट को एग्जीक्यूट करवा देता है कि कैंट को एग्जीक्यूट कर दो तो आप देखो कि एक तरफ से पावर लेके वो कहीं ना कहीं लोगों को एग्जीक्यूट करवा रहा है अब जो लाइट बॉन्ड है वो जाता है बारकेली में बार केली जहाँ पर उसे प्रिजनर बना के रखा हुआ है किंग को वो वहाँ पर जाता है और बोलता है गार्ड्स को कि मैं यहाँ पर ये यह करने आया हूँ वो करने आया हूँ और गार्ड्स को ऑलरेडी बोल दिया गया होता है कि जब लाइटबर्न उसको मार दे किंग को मार दे तो तुम लाइटबर्न को मार देना लाइटवर्न जाता है और ग, मतलब एक तरीके पर ट्रिक करके धोखे से एडवर्ड द सेकंड का मर्डर कर देता है जब मर्डर हो जाता है तो एक गार्ड है वो लाइटवर्न को मार देता है और जो दूसरा गार्ड है वो जाके मोर्टिमर को बता देता है कि ठीक है हमने तुम्हारा वर्क कर दिया है अब ऐज यहीं पर एंटर करती है स्टेज पर बताती है कि जो एडवर्ड द थर्ड है मतलब कि जो न्यूली प्रिंस है जो किंग बना है अभी अभी उसको अपने फादर की डेथ का पता चल चुका है और वो कहीं ना कहीं एजबेला और मोर्टिमर जूनियर को सस्पेक्ट कर रहा है फॉर द मर्डर कि जिसने मारा है वो यही है इसी टाइम पे जो एडवर्ड द थर्ड है मतलब कि न्यूली प्रिंस है न्यूली किंग है वो आता है और बोलता है मॉर्टिमर जूनियर को कि तुमने ही मेरे फादर को मरवाया है क्योंकि उसके पास एक लेटर है एज अ प्रूफ उस लेटर में लिखा गया था कि तुम जाओ लाइट वर्क का जो लेटर था उसमें लिखा गया था कि तुम जाओ एडवर्ड द सेकेंड का मर्डर कर दो तो एज अ प्रूफ उसके पास है और वो किंग है तो वो ऑब्वियसली मॉर्टिमर जूनियर को एग्जीक्यूट कर देगा ऐसा बेला बहुत बैक करती है कि ठीक है फिर छोड़ दो वो उसे पसंद करती है ये है वो है लेकिन एडवर्ड द थर्ड किंग बन चुका है उसके अगेंस्ट में कोई जा नहीं सकता है तो वो उसे सिंपली एग्जीक्यूट करवा देता है और अपनी मदर को ऐजा बेला को भी में डाल देता है जब तक कि सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो यहाँ पर आकर ये जो प्ले है वो मेनली ख़त्म हो जाता है इससे मेनली दो क्वेश्चन अभी तक आए थे एक तो ये कि ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें होमोसेक्सुअल सेंसिबिलिटी को शो कर रखा है तो इसका आंसर है एडवर्ड द सेकंड दूसरा क्वेश्चन आया था टू थाउजेंड फोर्टीन में जिसमें पूछा था कि जो मर्डर है वो मेनली होता कहाँ पर है तो मर्डर होता है बारकेले कैसल में जो मैंने बताया था कि वो जो लाइट बर्ड है जाता है बारकेले में वहाँ पर सो so, इस वीडियो में इतना ही एंड जो भी चीज़ें थोड़ी सी बची हुई हैं मतलब कि मैस्कर एंड हीरोडर ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय नेक्स बाय